क्या बात है रवि, बड़ी देर से देख रहा हूँ यार, सुस्ते नहीं आ रहे बहुत। भाई सुमित भाई कुछ पूछो नहीं, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हालत खराब है, पता नहीं मई जून में क्या हाल होने वाला है मेरा। गर्मी तो है यार, लेकिन अभी तो पंखे और कूलर से काम चल रहा है। भाई मेरे घर में नहीं चलता पंखे कूलर से काम। क्यों भाई, मेरे घर में तो एसी काम ना करता। ये टॉप फ्लोर में घर है, टॉप फ्लोर में, वहाँ पे तो अंडे रख दो ऑमलेट बन जाए अपने आप, इतनी मतलब गर्मी। पूरा कमरा तपता होगा वो तो। अरे भीषण तपता है भाई मेरे, मैं कैसे रह रहा हूँ बस मैं ही जान रहा हूँ भाई, बहुत हालत खराब। रवि की तरह क्या गर्मी में आपके घर का भी यही हाल हो जाता है? ऐसी परेशानी केवल टॉप फ्लोर पर रहने वाले ही नहीं बल्कि दूसरे भी उठाते हैं। तो हम आपको दे रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अपने घर को ठंडा रखने में मदद करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि इमारत कैसे और क्यों गर्म होती है। घरों में ज्यादातर कंक्रीट की छत होती है जो सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं और हीट को नीचे मंजिलों तक पहुंचाती है। हीट के जमीन पर पहुंचने तक ये प्रक्रिया चलती है। जमीन यानी मिट्टी एक इंसुलेटर है जो गर्मी को सोख लेती है। इसी वजह से टॉप फ्लोर बाकी फ्लोर के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। छत को गर्म होने से बचाने के लिए हीट रिफ्लेक्टिव पेंट या हीट रेजिस्टेंट टाइल्स लगाए जाते हैं। ये सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे बिल्डिंग में हीट ट्रांसफर कम हो जाता है। और अगर घर कम गर्म होता है और आपका बजट भी कम है तो ऐसे में पेंट की जगह चूने और फेविकॉल का मिश्रण लगाया जा सकता है। हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स 10-20% तक समर में हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और अगर इसको कंपेयर किया जाए टाइल्स से तो टाइल्स आर मच मोर इफेक्टिव देन द पेंट्स एज उसकी लेयर काफ़ी मोटी होती है तो और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, आपको उसको वापस से रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, तो टाइल्स आर मच मोर इफेक्टिव देन द पेंट्स। टेरेस गार्डन घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ गर्मी से निजात दिलाता है। छत पर लगे पौधे इमारत को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करते हैं। पौधे उगाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी इंसुलेटर का काम करती है जो सूरज की गर्मी को खींच लेती है जिससे छत कम गर्म होती है और घर में ठंडक रहती है। घर की दीवारों में हल्के रंग का इस्तेमाल करें क्योंकि गाढ़े रंग सूरज की किरणों को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। स्थिति तब और बदतर हो जाती है जब सही वेंटिलेशन ना हो, इससे गर्म हवा कमरे में भरी रहती है। खिड़की दरवाजे के सहारे सही वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाती है ताकि एक तरफ से गर्म हवा आए तो दूसरी तरफ से निकल सके। कई आर्किटेक्ट का मानना है कि सुबह सुबह और शाम में खिड़की दरवाजे खुले रखें। घर कंस्ट्रक्ट कराते समय हमें क्रॉस वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सारी एक्सटीरियर वॉल कम से कम 9 इंचेस की हो, हमारे घर की क्लियर हाइट कम से कम 11 फीट होनी चाहिए ताकि घर में सफोकेटिंग माहौल क्रिएट ना हो और हॉट एयर लाइटर होने की वजह से वह ऊपर ही रह जाए। हमें बाहर एक्सटीरियर वॉल में सारे लाइट कलर के पेंट्स यूज करने चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्ट हो सके क्योंकि डार्क कलर्स हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। साथ ही हमें पीओपी घर में यूज करना चाहिए जिससे हमारे घर में एक लेयर क्रिएट हो जाए। गर्मी से निजात दिलाने में बांस की लकड़ी और खसखस से बने पर्दे भी काम आते हैं। ये छाया देने के साथ धूप को घर के अंदर आने से भी रोकते हैं, इससे हीट को कम करने में मदद मिलती है। इन पर्दों को पानी से भिगोने पर घर में ठंडी हवा का फ्लो बना रहता है। घर के आसपास पौधे लगाएं जो आगे चलकर पेड़ बनेंगे। दोपहर से शाम तक घर पर तेज धूप पड़ती है, ऐसे में ये पेड़ प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेंगे और घर पर पड़ने वाली धूप को रोकेंगे जिससे घर के अंदर ठंडक रहेगी और ऑक्सीजन भी भरपूर मिलेगी। दोपहर में घर सबसे ज्यादा गर्म होता है, शाम में मौसम ठंडा होने पर दीवारें और छत इस हीट को रिलीज करती हैं। एग्जॉस्ट फैन गर्म हवाओं को बाहर निकाल कर घर को ठंडा रखता है। खाना बनाने और नहाने के बाद किचन और बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं। घर में छत से सबसे ज्यादा गर्मी आती है, ऐसे में छत पर रोजाना पानी छिड़कें। छत पर ग्रीन नेट लगवा सकते हैं जो तेज धूप को सीधे छत पर पड़ने से रोकेगी। तमाम स्टडीज में ये बात सामने आ रही है कि आने वाले सालों में तापमान और बढ़ने ही वाला है। मौसम तेजी से बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हर तरफ से हमें अटैक कर रही है। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि इन सुझावों की मदद से रवि अपने घर को रहने लायक बना पाएंगे। और अगर आपका भी घर गर्म हो जाता है
तो हमारे दिए हुए टिप्स को अपना कर देखिए, शायद आपको घर को और ठंडा रखने में मदद मिल जाएगी।